हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इनोवेशन में। दोस्तों, फाइनली रियलमी 5, 5S और 5i के लिए जुलाई का लेटेस्ट अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आपके पास रियलमी 5, 5S और 5i स्मार्टफोन है और दोस्तों अगर आप इस अपडेट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट का वर्जन के बारे में। दोस्तों, इस अपडेट का वर्जन है C.53। अब दोस्तों बात करते हैं इस अपडेट का साइज़ के बारे में। दोस्तों, इस अपडेट का साइज़ है 271 MB के करीब। अब दोस्तों बात करते हैं इस अपडेट का अपडेट लॉग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो चेंज देखने को मिलेगा वो है जुलाई का सिक्योरिटी पैच, मतलब आपको इस अपडेट के साथ जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। उसके बाद सेटिंग में आपको दो चेंज देखने को मिलेगा। पहला चेंज है एडेड रोटेट द गाइड बार्स विद स्क्रीन स्विच इन नेविगेशन बटन, मतलब आपको इस अपडेट के बाद सेटिंग के अंदर रोटेट गाइड बार फीचर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चेंज देखने को मिलता है वो है ऑप्टिमाइज फ्लाइट मोड। दोस्तों, इससे पहले जो अपडेट आपको मिला था उसमें जब आप फ्लाइट मोड और ब्लूटूथ एक साथ ऑन करते थे तो ब्लूटूथ ऑफ हो जाता था, इस अपडेट के साथ उस बग को फिक्स किया गया है। उसके बाद स्टेटस बार में आपको दो चेंज देखने को मिलता है। पहला जो चेंज है वो है ऑप्टिमाइज द बैटरी आइकॉन डिस्प्ले व्हाइल चार्जिंग, मतलब बैटरी आइकॉन में कुछ प्रॉब्लम था उसे इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया है। और स्टेटस बार में जो दूसरा चेंज है वो है फिक्स द स्टेटस बार नॉट डिस्प्लेइंग वाईफाई आइकॉन इशू इन स्पेशल सिचुएशन, मतलब आप जब वाईफाई ऑन करते थे तो कभी कभी वाईफाई का आइकॉन स्टेटस बार में नहीं शो होता था, उसे इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया है। उसके बाद सिस्टम में एक चेंज देखने को मिलेगा वो है ऑप्टिमाइज द पावर कंजप्शन ऑफ थर्ड पार्टी एप्स, मतलब आपके फ़ोन में जो थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल है वो जो बैकग्राउंड में बैटरी परसेंटेज खाता था वो अब फिक्स किया गया है। इस अपडेट के बाद आपका फ़ोन का बैटरी ड्रेनिंग इशू फिक्स हो जाएगा। उसके बाद गेम सेक्शन में एक चेंज देखने को मिलेगा वो है फिक्स द ब्लैक स्क्रीन इशू व्हेन स्विच टू पबजी फ्रॉम रीसेंट इंटरफेस, मतलब आप जब पबजी खेलते थे तो कभी कभी ब्लैक स्क्रीन आ जाता था, उसे इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया है। उसके बाद कैमरा सेक्शन में आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। पहला चेंज है ऑप्टिमाइज द शूटिंग क्वालिटी इन नाइट मोड, मतलब इस अपडेट के साथ नाइट मोड इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद कैमरा में जो चेंज देखने को मिलता है वो है फिक्स द फोटो ग्रीनिश इशू व्हेन शूटिंग विथ फ्लैश ऑन इन स्पेशल सिचुएशन, मतलब इससे पहले वाला अपडेट में जब आप फोटो क्लिक करते थे तो कभी कभी फोटो में ग्रीनिश इशू आ जाता था, उसे इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में और एक चेंज किया गया है वो है रिमूव क्लीन मास्टर फ्रॉम सिस्टम, मतलब आपके फ़ोन से आप क्लीन मास्टर रिमूव कर दिया गया है। पर दोस्तों अपडेट लॉग में इसके बारे में Realme ने कुछ नहीं बताया है। पर दोस्तों, मैं जब मेरा Realme 5S डिवाइस अपडेट किया तो मैंने देखा क्लीन मास्टर सिस्टम से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों फटाफट जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में और जाके देखो आपको अपडेट मिला है कि नहीं। अगर दोस्तों आपको अपडेट मिला है तो आप अपडेट कर लो, और दोस्तों अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आप एक दिन रुक जाओ, आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ पूछना है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ाना लाता रहता हूँ।